तो दोस्तों आज हम जो है OTT पर एक मूवी आई हुई है ब्लैक कार्ड नाम से, दोस्तों इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। और जो है जियो सिनेमा ऐप पर आई है, यानी कि आपको उसका थोड़ा सा सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा तभी आप इसको देख सकते हो। लेट लिखा है आपने, बहुत अच्छी बात है, जाकर देख लो। नहीं पता है तो, और पता है तो अच्छी बात, आप लोगों ने देख ली होगी। तो चलिए पूरा इसका रिव्यू करते हैं हम लोग। और इसी के साथ जो है पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है। दोस्तों शुरू करते हैं। इसमें जो है हमारे मैसी विक्रांत दिखने वाले हैं, यानी कि विक्रांत मैसी। तो भाई उनके आसपास घूमती स्टोरी है। पहले सबसे पहले मैं विलन, यानी कि इसमें क्या हुआ है, किसके पीछे जाएगी स्टोरी, वो दिखाया जाता है। इसमें कुछ मास्क पहने लोग दिखाए जाते हैं जो कि सबसे पहले जाते हैं, पूरे पुणे सिटी की लाइट बंद कर देते हैं। स्टोरी को पुणे में बिल्डअप किया गया है, जहाँ पर एक साथ बहुत सारे कैरेक्टर एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, यानी कि दिन में जो दिन बीत गए हैं उसमें वो एक दूसरे से मिल चुके हैं। वही हमें पूरे पिक्चर में ज़्यादातर दिखाई देते हैं, उन्हीं के आसपास ये मूवी घूमती रहती है। तो दोस्तों उसमें जो है लाइट बंद करके वो चोरी करने जाते हैं, जिसमें सोना चांदी पैसा बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन उसी लाइट के चक्कर में जो है हमारे विक्रांत मैसी दूसरी जगह नहा रहे थे और वो लाइट चली जाती है, और वो बीवी खाना बना रही होती है तो उन्हें अंडे लेने के भेज देती है, और फिर कांड हो जाता है रास्ते में भाई। तो इसी के साथ जो है कहानी आगे बढ़ती रहती है। रास्ते में गुरसुनील ग्रोवर मिलते हैं, जो भाई उनका जब आपको पता चलेगा कैसा रोल है भाई, एकदम बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है यार, वो मज़ेदार लगा मेरे को, सच बता रहा हूँ। सुनील ग्रोवर वन शॉट यार कितना कमाल का था वो, जब वो डॉन बन के आया था भाई, तो बहुत ही बेहतरीन है। सॉरी यार वो गलती से निकल गया, कुछ चीज़ें हैं जो निकल जाती हैं। काफ़ी मज़ेदार है इसमें। और सुनील ग्रोवर के अलावा भी मौनी रॉय हैं, उसके अलावा दो रीलर्स हैं, यानी कि इंस्टाग्रामर जो रील बनाते हैं, ठीक और एक ठाक, तो दोनों के नाम हैं जो आपने ट्रेलर में भी सुने होंगे। उसके बाद जो है अब मौनी रॉय कौन है, वो बंदूक लेके ट्रेलर में भी दिखती हैं, तो भाई इसमें आप उनका जो पर्दाफाश होगा तो मज़ा ही आ जाएगा आपको कि हाँ ये कैसे हुआ है। पूरी स्टोरी का जो है राज आगे जाके खुलता जाता है, और बहुत सारी यादें एक रात में उसके साथ मिल जाती हैं। जैसा हमने सोचा था ट्रेलर के हिसाब से वैसा बहुत कम है, आपको कंफ्यूजिंग ट्रेलर दिया गया था। और मूवी जब आप देखोगे तो भाई फट के हाथ में आ जाएगी, और दिमाग तो आपका एकदम बूम यार के भाई कितना मतलब सोच समझ के मूवी को बनाया है। और ज़्यादातर ये मूवी जो है बिल्कुल फास्ट पेस है, पूरी शुरू से ही लेकर लास्ट तक आपको एक सेकंड के लिए स्किप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और पूरी की पूरी मूवी बहुत जल्दी जल्दी निकलती जाती है, जो कि बहुत अच्छा है, ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करती है। 2 घंटे भी से भी कम की मूवी है, 1 घंटा 56 मिनट कुछ, उसमें आप जब लास्ट में उसमें देखोगे तो भाई OTT पर है तो आप वो चीज़ नहीं देखोगे, तो आपको लगभग 1 घंटा 50 मिनट ही टाइम स्पेंड करना है उसके लिए। तो भाई इतना तो सबके पास टाइम है, और एक बार जब बैठ गए तो पूरी मूवी देखे बिना रह नहीं सकते। आप ये सोचो OTT पर है तो हम बार बार देख लेंगे, जब ये शुरू ही होती है तो आपको बिल्कुल एकदम कनेक्ट कर लेती है और आप इसके साथ जुड़ जाते हो। शाहरुख खान के कुछ गाने हैं इसमें यूज़ किए गए हैं, थोड़े बहुत ही क्रिएटिव तरीके से, वो अपने ट्रेलर में भी सुना होगा बादशाह में बादशाह, तो वो गाना थोड़ा वहीं पर यूज़ किया गया है। और दूसरी बात जो है अनिल कपूर इसमें कहानी को नरेट करते हुए देखते हैं, नरेशन जो है कहीं ज़्यादा नहीं है, कैरेक्टर जब आता है सामने तो उसका नाम इंट्रोड्यूस करते हुए देखते हैं कि वो क्या करता है, बस इतना बताते हुए। और एक बार लास्ट में भी आते हैं, यानी कि दिखाई नहीं देते हैं, बस नरेशन करते हैं, तो वो काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। कॉमेडी तड़का जो है काफ़ी अच्छा है इसमें, ब्लैक कॉमेडी यूज़ की गई है, और विक्रांत मैसी के लिए भाई बहुत ही कमाल। सच पहले नंबर पे मैं बात करूँ तो सुनील ग्रोवर क्या परफॉर्मेंस की है भाई, और परफॉर्मेंस के हिसाब से मौनी रॉय के अलावा भाई सब ने बढ़िया किया है। और एक दो कैरेक्टर और भी हैं, अब वो आप फिल्म में जाकर देख सकते हो। काफ़ी बट स्टोरी वाइज मूवी बहुत बढ़िया, आप लोगों ने देख ली तो अच्छी बात, नहीं देखी तो जाकर प्लीज़ देखो भाई, मोबाइल में ही है आपके, 29 रुपये में कुछ नहीं जाता इस साल, उस पर बहुत सारी मूवीज़ आई हैं इस महीने, तो आपके 29 रुपये तो यूं ही निकल आएंगे। तो भाई मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।